बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, मैंने पहले भी यहाँ पे खेला है। अच्छा फाइनल हम हारे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मतलब हारे हो फाइनल, जीते कभी नहीं हो। ये देखो यार, आप देख सकते हो भाई की हालत, और ये देखो आप कासर भाई, 500 फुट का रास्ता पड़ा, आप जा सकते हो। और आपको अपने प्लेयर से मतलब क्या एक्सपेक्टेड था ऐसा कि ऐसा खेलेंगे? प्रैक्टिस में ही है अब, किसी दिन आप अच्छा 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 हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद दानिश। तो मैं आ गया हूँ आज एक नई सी वीडियो में आपके साथ। सुबह के बज चुके हैं करीबन 10:21, और मैं जा रहा हूँ यासिर भाई के साथ आज खेलने के लिए। नहीं, मैं नहीं खेल रहा हूँ, खेलेंगे यासिर भाई, मैं इनके साथ जा रहा हूँ इनको ड्रॉप करने। और इसी बहाने सोचा चलो एक अच्छा सा व्लॉग भी बन जाएगा। तो भाई यार सीन कुछ ऐसा है कि यासिर भाई खेलने जा रहे हैं खेलगांव में, और यार ऑटो वाले भैया को शायद हमसे भी ज़्यादा जल्दी, चलो कोई ना, हो सकता है इनकी भी कोई मजबूरी हो। तो यार निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी, यासिर भाई ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं मेरी वजह से। तो यार भाई सीन कुछ ऐसा है कि यासिर भाई को हमने करना है यहाँ ड्रॉप, मुझे बात पता नहीं थी, अभी पता लगी है। यहाँ से हम लेके जाएंगे असरार भाई को साथ में। यार मैं ना आपको असरार भाई की बैटिंग दिखाऊंगा, यार वो बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं यार क्रिकेट। अभी यंग है वो, बहुत ही ज़्यादा यंग है, लेकिन उनकी गेम बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा लगता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहा है। तो आप उनकी गेम को एंजॉय करो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। ये हमारे असरार भाई बैठे हुए हैं बिल्कुल मस्त फर्स्ट क्लास मूड में। तो भाई यार हम निकल चुके हैं यहाँ से, सीन कुछ ऐसा हो गया कि असरार भाई को लेने के लिए शफीक भाई आ रहे हैं गाड़ी लेके। अब जो लोग शफीक भाई को नहीं जानते उनको मैं शफीक भाई से बाद में मिलवाऊंगा। तो असरार भाई के पास किट बैग बड़ा था, उन्होंने कहा बाइक पे अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो शफीक भाई मेरे को लेने आ रहे हैं, आप लोग चलो मैं शफीक भाई के साथ आ जाऊँगा। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से, निकलते हैं जल्दी जल्दी। यासिर भाई बेचारे बहुत खुश हैं कि आज उनको दोबारा से खेल गाँव ग्राउंड में खेलने का मौका मिल रहा है, वो भी मेरी बदौलत और मेरी वजह से। चलो यार आपको पता है मेरा दिल दरिया है, और यार मैं मतलब ऐसी चीज़ें तो नॉर्मल है मेरे लिए कि मैं यासिर भाई जैसे लोगों की हेल्प करता रहूं जो तलाश में होते हैं। और इसी के साथ आप ये देखो कि अभी थोड़ा बहुत व्यू भी अच्छा लग रहा है देखने में, सुबह सुबह का माहौल है। यासिर भाई कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी चलो, लेकिन नहीं मैं जल्दी नहीं चलूँगा, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये दिखा के रहूँगा। देखो कितनी खुली और कितनी प्यारी जगह लग रही है देखने में। हो सकता है अगर यासिर भाई मैच जीत गए तो आज हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पिलाएं, ऐसे तो कभी ये पैसे खर्च के राजी नहीं है, लेकिन चलो आज इनके जेब से कुछ ना कुछ निकलवा ही लेंगे। वैसे तो आप सबको पता ही है पैसे खर्च के तो साकिब भाई भी राजी नहीं है। यार एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनो यार, ओह माय गॉड, ट्रैफिक वाले मामू सब खड़े थे, लेकिन अच्छा है कि किसी का हमारी तरफ ध्यान नहीं गया। यार एक तो यार आपको पता है ना, मैं अभी फ़ोन के साथ व्लॉग कर रहा हूँ तो मुझे खुद को थोड़ा अजीब लगता है कि यार इतना बड़ा फ़ोन मुंह के सामने लटका दो, तो फिर अगर ट्रैफिक वाले भी देख लें उनकी नज़र में भी बंदा जल्दी आ जाता है, पता नहीं चलान वलान ना कर दें, सीज़ ना कर दें बाइक, ये सब देखना पड़ता है। यार गोप्रो का थोड़ा वो है कि छोटा सा है, मतलब फील नहीं होता है उतना कुछ लगाया हुआ है। और इसी के साथ भाईजान वेलकम टू नगरोटा मिलिट्री स्टेशन। यार यासिर भाई ने दूसरी बॉल कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मारी और आप देखो ज़ख्मी हो गए हुए। मैं आपको अंदर जाके क्लोज से दिखाता लेकिन भाई मेरे पास परमिशन नहीं है, अब मैं बाहर से जूम करके दिखा रहा हूँ, चेक करो। वो बैठे हुए बेचारे कह रहे हैं मेरे गिटार टूट गए। यासिर भाई जब ये व्लॉग देखो तो यहाँ पे लाइक ज़रूर करना यार। तो भाई यार हम पहुँच चुके हैं खेलगांव ग्राउंड में, आप देखो ये कुछ ऐसा ग्राउंड है प्यारा सा। तो यार सच बताऊँ तो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा धूप है, मेरी बुरी हालत हो गई अभी कुछ एक करीब आधे घंटे में ही। यासिर भाई के पैर में भी लग चुकी है, बेचारे स्प्रे वगैरह लगा रहे हैं वहाँ पे। मैंने कहा चलो तब तक मैं आप लोगों से ही बात कर लूँ, तो यार मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही इतनी गर्मी, आपको पता है यार मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ गर्मी में। तो देखते हैं अब कितने टाइम तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जब तक हो सकेगा मुझसे भाई तब तक मैं यहीं पर हूँ यासिर भाई के पास ग्राउंड में। जब मेरी लिमिट से बाहर हो जाएगा भाई मैं बाइक स्टार्ट करके घर चला जाऊँगा। और आप देखो यार बैक साइड से कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर, ये देखो यार बिल्कुल ग्राउंड के साथ में ना अपना रिवर तवी है। और यार वैसे ग्राउंड तो यार बहुत अच्छा है, बैक साइड में ना यहाँ पे सैनिक स्कूल है यार, ये देखो आप ये ग्राउंड है इनका, अच्छा ग्राउंड है यार। पहले यहाँ टर्फ होती थी यार, आज यहाँ मैट पे खेल रहे हैं, शायद कंडीशन ठीक नहीं होगी टर्फ की, इसी वजह से मैट डाला हुआ है। तो और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है यार, पहले जब मैं आया था तो
तब वहां से ओपन था, अब वहां से बंद कर दिया हुआ है। भाई आप ये देख सकते हैं हमारे यासिर भाई हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमजोरी देखो इनकी कितनी हो गई है धूप के कारण, फील्डिंग में काम ध्यान है इनका। ओए शफीक भाई फील्डिंग नहीं कर रहा है ये। यासिर भाई क्या एक्सपीरियंस रहा? दो ओवर मैंने डाले अभी, 7-8 रन पड़े, एक विकेट मिला, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। मैंने पहले भी यहाँ पे खेला है। अच्छा फाइनल हारे यहाँ पे। अच्छा अच्छा मतलब हारे हो, फाइनल जीते कभी नहीं हो। हारने के बाद इंसान जीतता है। अच्छा लोग सच बता रहा हूँ, मेरी बस हो चुकी है धूप से, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन बस इंटरनली मैं खत्म हूँ, मुझे यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। ये ऐसे लोग हैं भाई कि मैच खेलने आए ये 2020 और इनके पास पानी की बोतल नहीं है। तो यार अब देखता हूँ मैं जाता हूँ कहीं बाहर पानी शानी लेके आता हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा यार। इसको बोलो यार यासिर भाई, यार ये मेरे सब्सक्राइबर कुछ बोल रहे हैं आपको। जी भाई बोलिए। कह रहे हैं कि दानिश भाई को पानी पिलाओ। भाई अभी बस पानी आ रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है यहाँ। अच्छा चलो यार मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद ही, क्या करें अब 20 ओवर देखने ही पड़ेंगे। भाई यार फाइनली ना एक इनिंग खत्म हो चुकी है, स्कोर का मुझे अभी पता नहीं है, मैं स्कोर का पूछ के आपको बताता हूँ। और अभी देखो पीछे ग्राउंड खाली है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे भी दो बैट्समैन आ रहे हैं आदिल भाई और शफीक भाई, उनसे पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या ख्याल आते हैं तो वो बताएंगे आपको। शफीक भाई फुल मूड में अपने, मुझे लग रहा है आज शायद अकेले ही मैच को खत्म करके आए। शफीक भाई सर क्या कहोगे हमारी जनता से? बस दुआ करो। आपका टारगेट क्या? मैंने 143 का 20 ओवरों में 143, तो इंशाल्लाह मैं होप करता हूँ कि आप अकेले ही एक तो 50 भी मार के आओगे और मैच भी जिता के आओगे। मैं कोशिश करूंगा मैं आपकी अच्छी अच्छी शॉट्स को रिकॉर्ड करूं, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से खेलो। और ये हमारे भाई, आपका नाम? वसीम खान। वसीम खान भाई ये हमारे ओपनर हैं इनके साथ, तो देखते हैं क्या रहता है इनका। हम तो अच्छी होप करते हैं आपसे, बेस्ट ऑफ लक यार। भाई यार फाइनली ना मैंने परमिशन ले ली है इनसे वहाँ बैठने की, वीडियो रिकॉर्ड करने की, तो मैं वहाँ जाके बस बातें नहीं करूँगा, बातें करना अलाउड नहीं है। कीपर के साथ में बैठ रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो चलो चलते हैं वहाँ पे बैठ के दिखाते हैं आपको अच्छे अच्छे शॉट्स। तो भाई यार ये कुछ पिच है देखो, वहाँ पे मैट लगा हुआ है, वो बॉलिंग एंड है और ये बैटिंग एंड है। यहाँ पे बैट्समैन हमारे रेडी हो चुके हैं, मैट लगा हुआ है, शफीक भाई भी रेडी हैं, देखते हैं आज शफीक भाई क्या कमाल करते हैं। शफीक भाई कमाल के मूड में, पूरी कोशिश रहेगी। चलो यार गुलशन, शफीक भाई नॉट एक्सपेक्टेड यार, नॉट एक्सपेक्टेड। तो भाई यार शफीक भाई जा रहे हैं बाहर, जिनके लिए मैं स्पेशली यहाँ बैठा हुआ था, तो ये इनका हार्ड लक था या मेरा पता नहीं। चलो यार होप नेक्स्ट टाइम कभी शफीक भाई अच्छा परफॉर्म करें। भाई तो हो गए बोल्ड, आपने देख लिया, चलो उनका हार्ड लक था। अब हमारे नए स्टार आदिल भाई आ रहे हैं, बिल्कुल ये भी मूड में आदिल भाई। Hi guys. हाँ और मैं उम्मीद रखता हूँ आदिल भाई बहुत अच्छा खेलेंगे और ये 50 करेंगे और मैं इनके अच्छे से शॉट्स रिकॉर्ड करूंगा। चलो बेस्ट ऑफ लक आदिल भाई। Not
तो भाई यार अभी कुछ ड्रिंक्स का माहौल है, शफीक भाई भी अंपायर आ गए हुए हैं, अंपायर चेंज हो गए हुए हैं, क्योंकि यार आप देखो धूप ही इतनी है यहाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कोई ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहा है, लेकिन मैं यार व्लॉग शूट करने के लिए कंटिन्यू यहीं बैठा हुआ हूँ। तो इसी के साथ वसीम भाई वापस पवेलियन की ओर जाते हुए और नए बैट्समैन के आने की देरी। वसीम भाई वेल प्लेड यार, कामरान भाई बेस्ट ऑफ लक यार। यहाँ से हम आ गए वापस पवेलियन की तरफ, ये सारे हमारे अपकमिंग बैट्समैन बैठे हुए हैं, ये अपकमिंग नहीं है, तो मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मेरी बस हो गई, अब यहीं से रिकॉर्ड करूँगा मैं, जो भी होगा भाई के साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है, क्या हो गया यार। सर क्या बोला नीचे के, ये देखो यार आप देख सकते हो भाई की हालत नीचे, नीचे। और ये देखो आप, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं यार कि लेदर क्रिकेट इतना ईजी नहीं, बाहर से देखने में तो अच्छा लगता है, छक्का मार दिया चौका मार दिया। अब वसीम भाई बेचारे अब ये ट्यूब हाथ में लेके बैठे हुए हैं, और देखो यार जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं उन सबको बोल रहा हूँ सेफ्टी के साथ खेलो यार। ये देखो यहाँ पे भी एक और बंदा जख्मी हो गया हुआ है, आप ये देखो जख्मियों की तादाद बढ़ रही है और हमारे पास हॉस्पिटल में बेड बहुत कम है। वसीम भाई क्या कहना चाहोगे यार आप सबसे? भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बॉल लगे हैं इनका जल्दी रिवेंज आएगा इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो क्या लगता है हमारी टीम जीतेगी? जीतेंगे भी और इन बॉलों का बदला भी लेंगे नेक्स्ट मैच। ठीक है वसीम भाई, थैंक यू। चलो तो यार फाइनली ना यासिर भाई की बैटिंग आ चुकी है, स्कोर कितना रहता है असरार भाई? 24 रन मारने हैं, देखते हैं यासिर भाई का क्या कमाल रहेगा इसमें। यासिर भाई क्या बोल रहे हो? आप बहुत प्रेशर में डालते हो। और ये देखो शफीक भाई की विकेट, आप लोग देखोगे शफीक भाई भाग रहे हैं, असरार भाई की भी बैटिंग चेक करेंगे। चलो यार आप जाओ खेलो, बेस्ट ऑफ लक यार, मैच जीत के आना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, असरार भाई बयान करेंगे इनकी अश्लील हरकत के बारे में। हाँ? ये क्या कर दिया यार यासिर भाई, एक मौका कौन देगा आपको दोबारा, ये क्रिकेट है। यासिर भाई यासिर भाई यासिर भाई 500 फुट का रास्ता पड़ा, आप जा सकते हो। तो यार एक और विकेट चली गई असरार भाई की, मैच जितना अब इम्पॉसिबल ही हो चुका हुआ है, और आप दूसरी टीम की सेलिब्रेशन देख सकते हो भाई, आखिरी दो रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए, देखते हैं क्या करते हैं एजाज भाई। और इसी के साथ डॉट, और भाई मैच ड्रॉ हो गया इसी के साथ, और ये शायद बॉल यहां से निकल गया और इन्होंने ले लिया है दूसरा रन, जीत गई है शफीक भाई की टीम मैच। मैं आपका आज का होस्ट आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा हूँ, मैच विनिंग शॉट आपके बैट से निकला है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा रहा, और खास करके हमारे ये प्लेयर ने भाई क्या नाम था आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन ने बहुत मेहनत की है यार लास्ट के टाइम पे मैच को जिताने के लिए, वेल प्लेड यार। ठीक भाई लिटरली कैसा रहा आपका आज का मैच? बहुत अच्छा रहा। और आपको अपने प्लेयर से मतलब क्या एक्सपेक्टेड था ऐसा कि ऐसा खेलेंगे? भरोसा था टीम पे कि अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह जीत लिया हमने मैच। तो नेक्स्ट मैच कब खेल रहे हो आप? नेक्स्ट मैच कल इंशाल्लाह। उसके लिए कोई प्रैक्टिस और प्रिपरेशन? प्रैक्टिस में ही है अब, किसी दिन अच्छा होता अच्छा है। चलो आपका नहीं, वैसे भी शफीक भाई हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, मैंने इनके साथ खेला हुआ है, आज का इनका दिन कुछ खास नहीं रहा क्योंकि आपको पता क्रिकेट तो एक बॉल की गेम है, कभी चल गए तो बहुत अच्छे, नहीं चले तो ये सब चलता रहता है। तो शफीक भाई जो मेरे छोटी सी फैमिली है यूट्यूब की अराउंड 450-500, उनसे क्या कहना चाहोगे आप मेरे लिए? मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। हाँ थैंक यू। तो आपने देखा शफीक भाई ने भी प्रमोट किया हमारे चैनल को, इनका खुद एक यूट्यूब पे चैनल है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप इनकी भी प्यारी प्यारी वीडियोज देखो जाके। तो करते हैं कुछ मैच विनिंग मूवमेंट सेलिब्रेट अब, है ना यार भाई लोग, मैच हम जीत चुके हैं, इसमें असरार भाई का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन मैं ना मतलब अनफॉर्चुनेटली इनकी शॉट्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं बाहर आ चुका था। अभी असरार भाई हमारे किट बैग अपना पैक करते हुए, असरार भाई कैसी फीलिंग्स है अभी मैच जीत के? नहीं
नहीं अभी तो अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहोगे? नहीं जब बैटिंग करा जब आउट हो गया फिर भरोसा नहीं रहा था कि हम मैच जीतेंगे। उसके बाद जब बैट्समैन गए इन्हें काफी अच्छा खेला और अंत में हमने मैच जीत लिया। स्टार्टिंग में यार मुझे भी लगा कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यार ये भाई साहब ने ना बहुत प्यारी गेम खेली। जितने छोटे आपको दिख रहे हैं उतने छोटे क्रिकेट में नहीं है, बहुत बढ़िया गेम इन्होंने खेली है। तो यार ये भाई साहब अपने हमारे कामरान भाई, इन्होंने भी आज के मैन ऑफ द मैच है। इनकी बॉलिंग आप देखो, इनकी बैटिंग देखो यार, मतलब लाजवाब है यार। कामरान भाई चार अल्फाज। बस भाई मजा आया आज, काफी मौसम भी अभी अच्छा है। अब अच्छा हुआ है ना, पहले अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत धूप थी, अभी मौसम अच्छा, सेकंड मैच हो रहा है यहाँ पे। चलो यार मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यार मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं था एक्सेप्ट शफीक भाई, लेकिन इन सबसे मिलके ऐसा लगा कि जैसे हम एक दूसरे को स्टार्टिंग से जानते थे। बहुत कोऑपरेटिव है यार ये, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव, इनने मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव। आपने एंजॉय किया? नहीं मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो अब आप मेरी, और यार इन भाई को ना मेरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इनके यहाँ पे कुछ चोटें भी लगी, लेकिन फाइनली इन चोटों का कोई मोल नहीं, क्योंकि आज ये मैच जीत चुके हैं। तो वसीम भाई दूसरा मैच भी खेल रहे हैं। दूसरा मैच भी खेल रहे हो? चलो यार मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो भाई यार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, भाई को सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो। तो भाई ने भी कह दिया यार, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, होप करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी, वो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर भाई किसी को अच्छी नहीं लगी है तो उसके लिए सॉरी, अगर कुछ चेंजेस करनी चाहिए तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो यार आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं ऐसे किसी एक अच्छे नए से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप रखें अपना ख्याल।